नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल साहू कंप्यूटर्स 321 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं राउंड टेक्स्ट डिज़ाइन हम किस तरह बना सकते हैं, कुछ इस तरह का दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना कोरल ड्रा ओपन कर लेते हैं, उसके बाद फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, हमारा A4 पेज आ चुका है, जो कि इसको हम लैंडस्केप में बनाएंगे। इसके बाद हम एग्जांपल के तौर पर कुछ टेक्स्ट जो है टाइप कर लेंगे, कुछ भी टाइप कर सकते हैं दोस्तों। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा टेक्स्ट जो है हमने टाइप कर दिया है, अब इसको हमें राउंड टेक्स्ट बनाना है। राउंड टेक्स्ट बनाने के लिए इसके बाद हम इलिप्स टूल पे क्लिक करेंगे। इलिप्स टूल पे हम कुछ अंडाकार शेप बनाएंगे, कुछ इस तरह का दोस्तों। इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं शिफ्ट प्रेस करके। थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। ये हमारा अंडाकार शेप बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। अब इस पिक टूल पे क्लिक करेंगे, इसके बाद टेक्स्ट पे जो है क्लिक करेंगे, इसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिट टेक्स्ट टू पैथ इस पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का दोस्तों, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह का इधर उधर भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जिस तरह आप चाहें उस तरह आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस गोले शेप को हटाने के लिए हमको एक बाहर पे क्लिक करना है, उसके बाद हम इस अंडाकार शेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसको डिलीट करने के लिए कंट्रोल डिलीट, उसके बाद हमारा ये जो है अंडाकार शेप पे जो है वो डिलीट हो चुका है। इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह का दोस्तों। दोस्तों, हमारा टेक्स्ट जो है राउंड में बनकर तैयार हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।